हेलो बच्चों, केम छो? मजा मैंने? तो चलिए आज हम क्लास 9 के एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 5 × 25 to the power n+1 −25 × 5 to the power 2n / 5 × 5 to the power 2n+3 −25 to the power n+1। यहाँ हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया मैंने, क्या है हमारे पास 5 × 25 to the power n, इसको लिख लिया। यहाँ हमारे पास प्लस, तो क्या हो जाएगा 25 to the power 1। समझा आपने? देखिए क्या किया मैंने, हमारे पास क्या था 25 to the power n+1, ठीक है? हमने क्या किया, 25 to the power n प्लस है तो हो जाएगा × 25 to the power 1। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर हमारा बेस सेम हो, बीच में हो मल्टीप्लाई, तो पावर हमारा क्या होता है, ऐड होता है। देखिए बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, पावर ऐड होता है। तो अभी हमारे पास इस रूप में था, मैंने इसको इस रूप में लिखा है। उसी तरह से यहाँ देखिए क्या है हमारे पास, 25 × 5 to the power 2n। तो यहाँ पर आप एक ध्यान दीजिएगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 हो सकता है। देखिए 5 का स्क्वायर 25, पावर में क्या है n, तो उस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने लिखा 25 to the power n। फिर से देखिए 5 का स्क्वायर 25, पावर में n था, पावर में n मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है? अब क्या हमारे पास, नीचे देखिए यहाँ पर क्या है, 5 × यहाँ पर फिर से देखिए 5 to the power क्या है, 2n ना, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, फिर से 25, 5 का स्क्वायर 25, दैट इज 25, तो 5 का स्क्वायर 25, पावर में n था, जैसा मैंने यहाँ किया, 5 का स्क्वायर 25, पावर में n था, तो यहाँ मैंने लिखा 25 to the power n। प्लस है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जैसा मैंने आपको बताया। तो यहाँ क्या हो गया, 5 to the power 3, है ना? आई होप यहाँ तक आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए 5 का स्क्वायर 25, पावर में n था, लिख दिया, प्लस है तो × 5 to the power 3 माइनस, इसको भी लिखते हैं 25 to the power n, प्लस है तो फिर से × 25 to the power 1, ठीक है? जैसा आपको मैंने यहाँ बताया। तो अब देखिए, अब आपको सिर्फ देखना है इसमें कि कॉमन क्या है। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉमन लेना ही भूल जाते हैं, वो इसको सिर्फ सॉल्व करते रहते हैं, तब आपका नहीं बनेगा। इसमें सबसे पहले आपको सोचना है कि इसमें कॉमन क्या है, क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 25 to the power n, यहाँ भी 25 to the power n, वैसे तो और भी कुछ कॉमन है, 25 भी आप कॉमन ले सकते हैं आप चाहेंगे तो। देखिए मैंने क्या किया, 25 to the power n और 25 को भी कॉमन ले लिया, ठीक है? 25 भी है ना दोनों में, तो 25 को भी कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने दिस वन को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचता है, इस घर में क्या बचता है, तो यहाँ देखिए इसको मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचता है हमारा 5, और यहाँ से अगर मैंने इस दोनों को कॉमन ले लिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचता, तो क्या लिखेंगे, 1, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा हमारा, 1। अब हमारे पास क्या है डिनोमीटर में, यहाँ भी आप कॉमन लीजिए, देखिए 25 to the power n, 25 to the power n है ना कॉमन, तो यहाँ मैंने ले लिया 25 to the power n को कॉमन, ठीक है? इसको मैंने कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन है कि नहीं ये देखिए, यहाँ पर क्या है 25, क्या यहाँ से हम 25 ले सकते हैं? देखिए यहाँ क्या है 25 ना, यहाँ से भी हम 25 ले सकते हैं, तो हाँ कैसे, देखिए 5 का यहाँ पर पावर है 3, यहाँ है 1, यानी 5 यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार, यानी 5 4 बार है, और हमें तो 5 दो बार लेना है कॉमन, क्योंकि 25 मतलब 5 दो बार होता है, तो इस तरह से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 25 को कॉमन ले लिया, ठीक है? यहाँ 5 कितना है बोलिए, हमारे पास 4 बार है, देखिए 5 to the power 3 और 5 to the power 1, यानी 5 4 बार है, हमने 25 ले लिया, मतलब 5 2 बार कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 बार बचेगा, यानी 25 बच जाएगा, है ना? 5 2 बार बचेगा, यानी 25 बचेगा, माइनस, और यहाँ से मैंने क्या किया है, दोनों को कॉमन ले लिया, तो कुछ नहीं बचा तो 1। इस लाइन को समझा आपने? फिर से देखिए क्या किया मैंने, यहाँ 5 कितना बार है, 3 बार हमारे पास, यहाँ कितना है 1 बार, यानी टोटल मिला कि हमारे पास 5 है 4 बार, ठीक है? उसमें से 5 मैंने 2 बार कॉमन ले लिया, यानी 25 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ 5 2 बार बचेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 बार था, तो बच गया, और यहाँ से मैंने दोनों को कॉमन लिया, तो कुछ नहीं बचा, दैट इज़ 1। अब देखिए इसको कैंसिल करिए, यहाँ भी 25 कैंसिल, क्या बचता है यहाँ हमारे पास, 5 − 1, दैट इज़ 4, और यहाँ क्या होता है हमारे पास, 25 में से 1 चला गया, तो ये हो गया हमारा 24, कैंसिल करिए कितना हो जाएगा, 1/6, तो ये हमारा हो गया ना आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।